कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बस दुर्घटना दुग्ध होने के साथ है सरकार और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए परिवहन मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए। बंजार बस हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने इस दुर्घटना को सरकार एवं प्रशासन की लापरवाही की परिणति करार देते हुए मांग की है कि विभाग के मंत्री को तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री का ये वक्तव्य कि दुर्घटना मानवीय चूक की वजह से हुई अपने आप में हास्यास्पद है। क्या मंत्री के पास इस सवाल का कोई जवाब है कि दुर्घटनाग्रस्त बस में 70 के करीब सवारियां कैसे बैठ गई? इतनी अधिक ओवरलोड बस को किसी अधिकारी ने नोटिस कर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की तथा इस रूट पर इतनी कम सुविधा क्यों है कि लोगों को घर पहुंचने की मजबूरी में खतरनाक और दुर्गम मार्ग पर चलने वाली बस की छत तक पर सवार होना पड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बस दुर्घटना दुखद होने के साथ सरकार और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। बंजार में जो बस दुर्घटना हुई है उसमें जिनकी मृत्यु हुई उनके प्रति परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के परिवहन मंत्री को इस बस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने एक वक्तव्य दिया है जिसमें कहा कि दुर्घटना मानवीय भूल की वजह से हुई है, ये बड़ा हास्यास्पद है। बंजार का क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, बहुत खराब है और नाम मात्र की बस सर्विस उस क्षेत्र में सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है। कोई आरटीओ, कोई दूसरा संबंधित अधिकारी उस चीज को अगर समय रहते नोटिस करता, कार्रवाई करता तो शायद ये बस दुर्घटना होने से टाली जा सकती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार और संबंधित अधिकारी पूरी तरह से इस बस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए परिवहन मंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए और जो अधिकारी इस में कुताही बरतने के लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक प्रेम कौशल ने कहा कि ये निहायत दुर्भाग्य का विषय है कि दुर्घटना में घायलों का इलाज भी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करना पड़ रहा है कि बंजार का जो हॉस्पिटल है, मैंने पढ़ा समाचार पत्रों में कि उसमें जो घायल थे उनका इलाज मोबाइल की जो टॉर्च है उसकी रोशनी में किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे ज्यादा दुखद एवं हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि हमारे जो स्वास्थ्य संस्थान हैं उनमें जनरेटर की व्यवस्था नहीं है और इस तरह की आपदा और दुर्घटना की स्थिति में मरीजों का इलाज करने के लिए, मरीजों का ट्रीटमेंट करने के लिए मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ा, ये बड़ा हास्यास्पद और बहुत दुख। डॉक्टर चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।